हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि राहुल द्रविड़ जैसा गंभीर दिखने वाला प्लेयर इंदिरा नगर के गुंडे जैसा एड कैंपेन करेगा या शिखर की किसी रील में फीचर होगा। हाँ जी, कैसे कन्विंस किया? वो वाकई बहुत सीरियस इंसान है क्या? है नहीं राहुल भाई बहुत मस्त बंदे हैं, रिलैक्स हैं, बिल्कुल बहुत रिलैक्स हैं और इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। और आई फील कि वो एक एनर्जी की बात होती है, उन्हें पता है कि भाई ये मस्त मलंग सा है। और जब मैंने बोला राहुल भाई एक रील करनी है लड़कों के साथ तो आप प्लीज़ आ जाओ, बस और क्या, आ गए और क्या, एक बारी में ही रिक्वेस्ट किया आ गया। वो रिलेशन हो जाता है ना, एक रिलेशन होता है, उन्हें पता है भाई अब टीम बॉन्डिंग, देखिए वक्त बदल गया है तो अब ये भी टीम बॉन्डिंग का हिस्सा है। रील भी तो एक लड़कों को खुशी दे रही है, वो एक जरिया बन गया, देखने का नजरिया है, इंसान देखता गया। कोई कहे वो अरे ध्यान नहीं दे रहे, ये तो रीलें बना रहे हैं, एक वो देखने का नजरिया। ऐसे बोलते हैं लोग? हाँ तेरे बोलते हैं, ऐसा क्यों नहीं बोलते कि भाई रील्स बना रहे हैं, कर रहे हैं वगैरह। और एक देखने का नजरिया, वो एक यह कि मैंने लड़कों को बांध दिया, कोच को भी बांध दिया और हम सब ने ये किया। तो जब हमने सबने किया वो और जब हम सब ने वापस देखा हो गए उससे, तो उससे क्या मिली? खुशी मिली ना। जो जो पब्लिक भी देख रही है उससे क्या मिली? खुशी मिली। तो एक बॉन्डिंग है। तो आप किसकी रील देखते हैं? मैं जो मेरे को जैसे फ्लिप करता रहता हूँ, जो नॉर्मल लोगों के लिए कोई स्पेसिफिकली आपने सब्सक्राइब किया कि भाई ये बंदा या बंदी बहुत अच्छी रील बनाता है? नहीं सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन जैसे अगर मैं लाइक भी करता हूँ तो फिर वो वापस आना शुरू हो जाते हैं और मैं देखता हूँ वैसी है। हाँ तो वो देखना शुरू हो जाता हूँ और कोई अच्छा लगता तो फिर मैं पिक कर लेता हूँ। जैसे आज मैंने 2-3 रीलें बनाई, मैंने बड़े दिन हो गए थे कंटेंट नहीं बनाया हुआ था, तो मेरी सोशल मीडिया टीम आई हुई थी तो उनके साथ रील बनाई है। तो आज एक मैंने अपनी मम्मी के साथ बनाई, एक वैसी ही बनाई सर्दियों के ऊपर, एक थोड़े स्टाइल के उसमें बनाई। तो मैं सारे रंग एंजॉय करता हूँ। जब भगवान ने मुझे इतने सारी चीज़ें बख्शी हैं तो उस हुनर का क्यों ना यूज़ करूँ मैं। और एक्टिंग? हाँ जी हाँ, एक्टिंग भी एंजॉय करता हूँ पूरी। अब जैसे अभी कैमियो रोल किया तो वो एंजॉय किया, अगर आगे कुछ और मिलेगा तो वो कर लेंगे। पर कैसा था वो तजुर्बा? बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मज़ा आता है। क्या उन्होंने अप्रोच किया आपको? थोड़ा सरप्राइज लगा कि भाई? हाँ जी हाँ, उन्होंने अप्रोच किया मुझे। और हुमा कुरैशी का ब्रदर साकिब, उसने अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि भाई ये, तो मैंने कहा ठीक है मैं अपनी एक बारी टीम से बात करता हूँ। फिर टीम से बात हुई, फिर उनकी बात हुई तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर हुमा कुरैशी को मैं सेट पे मिला। वो कहाँ पे शूट हुआ था ये? नोएडा में हुआ था, ग्रेटर नोएडा में। और फिर वो मेरी वैनिटी मैन में हुए, तो मतलब उनका उन्होंने मेरे को बड़ा कंफर्टेबल फील कराया वहाँ पे। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं 8 घंटे शूट चला। थोड़ा दुख था यार, पहली बार ये एक्टिंग वाला काम? नहीं, ऐड तो शूट किए होंगे पहले। ऐड बहुत शूट किए ना, 10 साल से ऐड शूट किए। हाँ। और नहीं धक वाला नहीं था क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट बनता हूँ। हाँ। तो अगर मेरे तो कभी धक ऐसा नहीं, धक होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। जब मैच खेलने जाते हैं तो धक, पर मैं अपने आप को ये बोलता हूँ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और कि सक्सेस इज सर्टेन फॉर मी। तो मेरे पे मैंने क्या चीज़ छूनी है उसको मैं सोना बना दूंगा।